वेलकम टू एग्जाम आई क्यू एडुकेशन। इस वीडियो में देखते हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सारे सवाल जो जो एसएससी बैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएस और भारत के सभी एग्जाम में होने वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सवाल। तो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1856 को। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में। गाँव क्या था? चिरवल। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 10 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी के ग्राम चिरवल में हुआ था। उनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो रत्नागिरी में एक सहायक अध्यापक थे। उनके माता के क्या नाम था? माता का नाम पार्वती बाई थी, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बाल गंगाधर तिलक का शिक्षा कहाँ से हुई? तिलक का प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। चिरवल उसका गांव था, वहीं पे प्रारंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। और 1876 में उसने डेक्कन कॉलेज से एमए से ऑनर्स किया। डेक्कन कॉलेज से एमए पास किया 1876 में। बाल गंगाधर तिलक बोला जाता था। अगला सवाल, तिलक ने 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वैदिक ज्ञान के साथ पाश्चात्य ज्ञान भी प्रदान करना। तिलक ने 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा के साथ साथ इंग्लिश शिक्षा भी देना। तिलक ने दो प्रमुख समाचार पत्र भी प्रकाशित किए, जो ये सवाल बहुत से एग्जाम में सैकड़ों बार पूछे जा चुका है। तिलक ने 1884 में अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। कब किया? मराठा और केसरी का प्रकाशन कब हुआ? 1884 में। लेकिन मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी में। और केसरी किस भाषा में था? मराठी में। तिलक ने 1884 में पूना में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की तथा इसी सोसाइटी के तहत 1885 में फर्गूसन कॉलेज की स्थापना की। फर्गूसन कॉलेज की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1885 में। तिलक ने फर्गूसन कॉलेज में 1890 तक गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। तिलक उच्च कोटि के विद्वान तथा गणितज्ञ थे। अध्यापन कर कहाँ किया 1890 तक बाल गंगाधर तिलक ने? फर्गूसन कॉलेज में। अगला, बाल गंगाधर तिलक अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ कहाँ से किया? पूना से। इस सवाल आखिर आता है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कहाँ से किया? पूना से। गांधी जी से पहले तिलक ही ऐसा अखिल भारतीय नेता थे जिसके नाम की गूंज पूरे भारत में थी। गांधी जी तो भारत में 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 को। उससे पहले तिलक ही ऐसा अखिल भारतीय नेता थे जिसका नाम पूरे भारत में था। तिलक ने 1893 में 10 दिवस गणपति उत्सव तथा 1895 में छत्रपति शिवाजी उत्सव का मनाना प्रारंभ किया। तिलक ने दो उत्सव महाराष्ट्र में मनाना शुरू किया था, जो गणपति उत्सव 1893 में तथा शिवाजी उत्सव 1895 में। 1897 में तिलक को बम्बे विधान परिषद का सदस्य चुना गया। बाल गंगाधर तिलक बॉम्बे विधान परिषद का सदस्य कब चुना गया? 1897 में। 1899 में सरकारी नीतियों से क्रोधित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या कर दी। इसी संबंध में तिलक पर उन पर समाचार पत्र केसरी में भड़काऊ लेख लिखने का आरोप लगा और 18 माह के कारावास की सजा हुई। जब 1899 में प्लेग फैला तो प्लेग अधिकारी रेंड की हत्या चापेकर बंधुओं ने की। और चापेकर बंधुओं ने यह हत्या किससे प्रेरित होकर की? बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित अखबार कौन था? केसरी, जो मराठा भाषा में प्रकाशित होता था मराठी में, उससे प्रभावित होकर रेंड की हत्या की। इसलिए भड़काव लिखने के लिए 18 माह के कारावास हुए 1899 में बाल गंगाधर तिलक की। 1908 में अंग्रेजों ने पुनः उन पर युवाओं जो युवा वर्ग थे उसको हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगाया और 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेजा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को किस जेल भेजा गया था? मांडले कहाँ है? वर्मा में। तिलक ने जेल में रहकर गीता की व्याख्या, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वृंदांत
लिखकर आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया तथा देशवासियों को निष्काम भाव से कर्मयोग के लिए प्रेरित किया। एक गीता रहस्य किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक की रचना है। कहाँ लिखा था? जेल में ही रहकर, मांडली जेल में। और एक और पुस्तक लिखी है, आर्कटिक होम ऑफ दी वेदाज। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। जब शुरुआती में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में नरमवादियों का प्रभुत्व था, वे पहले अनुनय विनय मतलब पहले विनती करते थे उस सब का, इसलिए इसका विरोध किया बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल से संबंधित थे। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, कहाँ है? पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। भारत में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में, कहाँ किसने की? एक बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ किया था? पूना में, बेलगांव पूना में। कब? 28 अप्रैल 1916 को। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया? जोसेफ बपिस्ता को। और इसका सचिव किसको बनाया? एनसी केलकर को। तिलक के होम रूल का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत था। और एक होम रूल लीग की स्थापना किसने और किसने की थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना कहाँ की, कब की? 19 सितंबर 1916 में ही। उसका सचिव किसको बनाया था? जॉर्ज अरुंडेल को। और हेनी बेसेंट ने कहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की? अडियार, मद्रास। अडियार जिसमें मद्रास को बोला जाता था। और तिलक ने कहाँ किया था? पूना में। हेनी बेसेंट ने अडियार, महाराष्ट्र में। उन्नीस सौ सोलह में लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में तिलक ने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये प्रसिद्ध नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये कहाँ क्या बोला था? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमेशा पूछा जाता है। तिलक जी ने विपिन चंद्र एवं लाल लाजपत राय के सहयोग से राष्ट्रवादी दल का गठन किया। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी दल का गठन किसके सहयोग से किया? विपिन चंद्र एंड लाजपत राय, जिसको लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल पाल किसको? विपिन चंद्र पाल को बोला जाता है। तिलक पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। प्रथम बाल गंगाधर तिलक वैसे पत्रकार था जिसको जेल पहली बार भेजा गया था। तिलक राष्ट्र आंदोलन के प्रथम नेता थे, जिस गांधी जी से पहले ऐसा अखिल भारत नेता था जिसका नाम पूरे भारत में था। तिलक ने पुनश्चद हरि ओम आंदोलन शुरू किया। पुनश्च हरि ओम आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की। कब किया था? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। उसने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। 1907 में कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। तिलक गर्म दल के नेता थे। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ गर्म दल और नरम दल में। तिलक किस दल के संबंधित थे? गर्म दल से। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को क्या बोला था? चापलूसों का सम्मेलन कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने कहा, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तिलक ने का प्रसिद्ध कथन है कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक कांग्रेस पर कटाक्ष किया था। अति महत्वपूर्ण सवाल यह आ रहा है, सर वेलेंटाइन सिरोल तिलक को भारत में अशांति का जनक समझते थे। भारत अशांति का जनक किसे माना गया है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा? सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है भारत अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने बाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले को भारत हीरा कहा है। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा है। और गोपाल कृष्ण गोखले से एक
सवाल माइंड में आना चाहिए, वो किसके गुरु थे? महात्मा गुरु, महात्मा गांधी जी के। इनका दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये 1916 में दिया था। उन्होंने कहा है शायद ईश्वर की यही मनसा मंजूर है कि मेरी स्वतंत्र रहने के बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तिलक जी का ही कथन है। तिलक ने लिखा, हमें पूरी तरह से किसान के साथ एकात्म स्थापित करना चाहिए, हमें यह महसूस करना चाहिए कि यह मेरा है और हम उसके हैं, ये तिलक का कथन है। बाल गंगाधर तिलक भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा भारत से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। बाल गंगाधर तिलक वो प्रथम भारतीय था जिसने राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जाता है, और भारत अशांति का जन्मदाता भी बाल गंगाधर तिलक को ही माना जाता है, जिन्होंने राष्ट्र की वेदना को प्रकट किया था और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया। तिलक स्वतंत्रता के इस कदर प्रेमी थे कि वे कि कहा जाता है कि मुझे राष्ट्र की स्वाधीनता सर्वाधिक प्रिय है, यदि ईश्वर मुझे मोक्ष या स्वर्ग प्रदान करे तो मैं उसे भी छोड़कर स्वाधीन की ताकि प्रार्थना करूंगा, एक कथन बाल गंगाधर तिलक का है। गांधी जी ने तिलक के बारे में क्या कहा? गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा है? तिलक को गांधी जी ने कहा है, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को क्या कहा है? भारतीय क्रांति का जनक। भारतीय क्रांति का जनक तिलक को किसने बताया? नेहरू ने। आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा? गांधी जी ने। आधुनिक भारत का निर्माता बोला है गांधी जी ने तिलक जी को, और भारत क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू ने, और भारत अशांति का जनक विलेंटाइन सिरोल ने बोला है। 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में प्रारूप को प्रस्तुत किया। इसके बाद सन 1922 में महात्मा गांधी तथा सन 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारत स्वाधीन के निर्माण संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की। कब के स्वराज विधेयक का प्रारूप कब तैयार किया था? 1885 में बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से ही हिंदू मुस्लिमों के बीच 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल में शांति स्थापित हुआ और 1907 में विभाजित हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत बड़ी घटना घट गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, किसने? गांधी जी ने। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले तिलक ने आखिरी सांस लेते हुए कहा था, यदि स्वराज नहीं मिला तो राष्ट्र भारत समृद्ध नहीं होगा। यदि स्वराज नहीं मिला तो भारत समृद्ध नहीं होगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का आखिरी कथन था। तो ये था बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।